गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम ऑन दिस स्टडी चैनल एंड सेशन नंबर 2 फ्रॉम प्रोस अ फेलो ट्रेवलर पैराग्राफ नंबर 6। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग उसी लेसन से पैराग्राफ नंबर 6 देखेंगे। आई टुक अप माय पेपर एंड ही केम एंड सेट ऑन इट। प्लीज हेलो आई शेड You have delivered yourself into my hands. I have but to give this respectable weekly organ of opinion a smack on both the covers and you are a corpse neatly sandwiched between and articles on pistachios, the another on the modesty of Mr. Hughes, but I shall not do it. I have deprived you and I will satisfy you that when this large animal says a thing, he means it. Moreover, I no longer desire to kill you. Through knowing you better, have come to feel, shall I say, a sort of affection for you. I fancy that Saint Francis would have called you little brother. I cannot go so far as that in Christian charity and civility, but I recognize a more distant relationship. First, you have made us fellow travelers on this summer night. I have entrusted you and you have entertained me. The obligation is mutual and it is founded on the fundamental fact that we are fellow mortals. The miracle of this is ours in common and it must is too. I suppose you don't like anything about your journey. I am not sure that I know much about mine. You are really, when you come to think of it, a good deal alike. Just appreciation that or I am then or not. Coming out of the night into the lighted carriage, fluttering about the lamp for a while and going out into the night again. Perhaps dash. कुछ कठिन वर्ड्स आपके सामने जिसको मैं रख देता हूं 6 का। Delivers, delivered means given, सौंप देना, corpse, dead body last, sandwich, क्रॉस्ट बिटवीन, सैंडविच एक खाने की वस्तु है, दो ब्रेड के बीच में कुछ सामग्रियां रख करके मिक्स करके लोग बनाते हैं, शायद आप लोग खाए भी होंगे, जानते भी होंगे, इसलिए उसको मैं ज़्यादा व्याख्या नहीं कर सकता। सैंडविच के बारे में लगभग आप जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो घर पर बना के खा लीजिए। अब सीधे हम लोग आते हैं बेटा एक्सप्लेन में। मैंने अपना अखबार उठाया, राइटर मुझे कहते हैं मैंने अपना अखबार उठाया और वह आया वो मच्छर आया और उस पर बैठ गया। मूर्ख साथी, मैंने कहा, राइटर मोदे कहते, मैंने कहा मूर्ख साथी, तुमने अपने आप को मेरे हाथों सौंप दिया है। मुझे इन विचारों की सम्मानित साप्ताहिक पत्रिका को दोनों ओर से झट केवल बंद करना है और तुम पीस ट्रैप नामक
और दूसरे श्री यूज की शालीनता नामक लेखों के बीच में दबकर लाश बन सकते हो, परंतु मैं यह नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है और मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा कि जब बड़ा जानवर जो कहता है उसका वही अर्थ रखता है, फिर अब मुझे तुम्हारी हत्या करने की इच्छा नहीं है। तुम्हें पहले की अपेक्षा अच्छी तरह से जानकर मैं तुम्हारे व्यक्तित्व को अनुभव करने लगा हूं। क्या मैं हूं तुम्हारे लिए एक प्रकार का स्नेह? मैं कल्पना करता हूं कि संत फ्रांसिस ने तुम्हें छोटा भाई कहा होता। मैं उतनी दूर नहीं जा सकता जितना कि ईसाई दया और शिष्टाचार में है, लेकिन मैं एक बहुत दूर का संबंध समझता हूँ। भाग्य ने हम लोगों को इस ग्रीष्म रात्रि का सहयात्री बनाया है। मैंने तुम्हें रोचकता प्रदान की है और तुमने मेरा मनोरंजन किया है। ऐसा पारस्परिक है और यह मौलिक तथ्य है और यह मौलिक तथ्य पर आधारित है कि हम सब प्राणी हैं। जीवन का चमत्कार और उसका रहस्य भी हमारा, यानी हम दोनों का एक ही तरह से है। मैं मानता हूँ कि तुम अपनी यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानते हो। मुझे भी यह विश्वास नहीं है कि मुझे अपने बारे में अधिक जानकारी है। जब तुम इसके बारे में सोचने लगते हो तो यह सचमुच बहुत हद तक समान है। मात्र प्रेत छाया जो है भी और भी नहीं है, रात के प्रकाशित डिब्बे में आते हैं, थोड़ी देर तक लैंप के चारों फड़फड़ाते हैं और फिर बाहर निकलकर रात में समा जाते हैं, शायद डैश डैश डैश। इसी के साथ ये पैराग्राफ नंबर 6। आप सबको मोस्ट वेलकम। थैंक्स फॉर ऑल स्टूडेंट।